हम शांति इस सेशन में आत्मा के फॉर्म रूप कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो लक्षण है और उसके ओरिजिनल नेचर के ऊपर स्लोक्स प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो ये हमारा आप देख रहे हो ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट है ठीक है जहाँ हम जो भी स्लोक्स हमने अभी तक यूज किए हैं ये पूरा सीरीज है प्लेलिस्ट है जो भी राजयोग की स्टडी आपको ऊपर प्रोवाइड की गई है जिस जिस समझाने से इस श्लोक का उपयोग किया गया है उसका यहाँ ग्रुपिंग किया करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है टॉपिक वाइज तो इसलिए अगर आपने वो स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो स्टडी कर लीजिए ट्वेल्व लेसन है आप आराम से वॉक करते करते एक अपना स्पिरिचुअल वॉक रखिए जहां आप शांति से चलते चलते आ, इसको एक बार सुन ले ओपन माइंड होके ठीक है वो स्टेप वन आप सुन लीजिए साथ, साथ आपको जहां जहां भी गीता के चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है आ, फिर आपको इंटरेस्ट आया तो आप कांटेक्ट करिए हर एक वीडियो के नीचे कांटेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी मेन पेज पे भी रहेगी अम्म तो आप आसानी से इसको बेहतर से समझ पाएंगे ठीक तो है तो देखो यहाँ आठवें अध्याय का श्लोक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ स्लोक्स दिए गए हैं ठीक है थीके? और हमने ये सब स्लोक्स यहाँ मार्क कर दिए है आ, अभी तक के जो भी प्लेलिस्ट में स्लोक्स यूज किए गए हैं वो भी यहाँ मार्किंग किए गए हैं तो टोटल तो सेवन हंड्रेड स्लोक्स को हमें कवर करना है टॉपिक वाइज ठीक है तो वो तो इसलिए ट्रैक करके उस ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट अम्म के, आ, ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है ठीक है तो चलो आ, इस सेशन में हमने चैप्टर का स्लोक लिया है यह शब्द आया है जो बताता है आत्मा सूक्ष्म है ठीक है और यहाँ एक और बात समझने की है कि हम सिर्फ ब्लैक फॉन्ट पे फोकस कर रहे हैं ठीक है आ, में जो रेड फॉन्ट में आ, आपको यहाँ लेटर्स में एक्सप्लेनेशन uh, दिख रही है वो हम फोकस नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप में बातचीत करना होगा स्टडी uh, से गुजरना होगा समझने के लिए ठीक तो है तो अभी उस पर फोकस मत कीजिए आपके इंटरेस्ट है तो रीच आउट कर सकते हैं ठीक है uh, और ये शिक्षा ये कोई गुरु के द्वारा नहीं आ रही है ये जरूर आपको बताना चाहेंगे अम्म राजयोग की स्टडी अगर आप स्टेप वन को कंप्लीट करोगे तो आपको ये पता चलेगा की श्रीमद भगवत गीता भगवान के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकते हैं हमें तो अभी वही समय आ चुका है भगवान स्वयं आके हमें सच्ची गीता सुना पढ़ा रहे हैं एक्चुअली और मनुष्य ने जो मिस्टेक कर दी है ना वो भगवान के की शिक्षा में जो मिलावट कर दी है जो मिस्टेक कर दी है ना भगवान की शिक्षा को गलत रीति से प्रेजेंट करने में तो वो भगवान करेक्ट कर रहे हैं अभी ठीक है तो इसलिए आपको ये श्लोक के रेफरेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं भगवान को ये श्लोक के रेफरेंसेस नहीं चाहिए भगवान तो मुख से लाइव गीता सुना रहे हैं वो तो उसके बुद्धि में ही है उनको बुक का सहारा नहीं लेना पड़ता है ठीक है तो वही खुश खबरी है भगवान आपके ही हमें सच्ची समझानी अभी दे रहे हैं है ना उसको उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है अभी कि भगवान एक जगह ही है अभी भगवान हर जगह नहीं है और जो हर जो भी शिक्षा हमें मिल रही है वो भगवान से नहीं आ रही है अभी भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं ठीक है ठीके? चलो तो आगे बढ़ते हैं देखो दूसरे अध्याय का अठारवा श्लोक है एटीन श्लोक में यहाँ वही बताया जा रहा है आत्मा इटरनल है इम्पेरिशेबल है अनमेजरेबल है मापा, मापी नहीं जा सकती है अपराश शब्द आया है ठीक है आत्मा न मरती है न मारा जाता है ना तो आत्मा आ, को ए नीदर किल्स, नो इट इट इज ओके तो दूसरे अध्याय का नाइन श्लोक है ठीक है में बताया गया है आत्मा अजन्मा है ना आत्मा को क्रिएट नहीं किया जा सकता है ठीक है वो नित्य है ठीक है सनातन है पुरातन है ठीक है देह के हनन होने के बाद भी आत्मा ठीक है टू ट्वेंटी वन भी वही बता रहे हैं अविनाशी है ठीक है यहाँ शब्द हाईलाइट किए गए हैं संस्कृत शब्द उसके साथ मैच किया गया यहां, है यहाँ ब्लैक फॉन्ट में है है ना नित्य जन्म रहित है अक्षय है अविनाशी है ठीक है तो ये रेफरेंस के आधार पर भी हमें पता चलता है कि आत्मा अविनाशी है इनपेरिशबल इन इंडि, है आत्मा शरीर से अलग है वो भी ये सब स्लोक्स में आया हुआ है डिफरेंस बता रहे हैं आत्मा और शरीर अलग है ठीक है और यहाँ टू ट्वेंटी थ्री में जैसे बताया जा रहा है तो देखो यहाँ टू 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 में बताया जा रहा है ठीक है कोई भी शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते हैं अग्नि नहीं जला सकती है हवा नहीं सुखा सकती है ठीक है जल नहीं भिगो सकती है आत्मा को Okay, तो ये स्लोक भी स्लोक है तो इसलिए हम आ, ये नहीं कह सकते कि गंगा जल करने से हम पावन बन जाएंगे या फिर ये पूजा करने से आत्मा आ, को उसका फल मिलेगा नहीं फिजिकल रूप में हम जो भी करते हैं ठीक है एक श्लोक के द्वारा क्लियरली प्रूव होता है अब तक हम जिस मिसअंडरस्टैंडिंग से आत्मा के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं उससे आत्मा का कल्याण अभी तक नहीं हुआ है ना हो सकता है ठीक है तो भगवान हमें गहरी गहरी सच्चाई भी बता रहे हैं ठीक है आ, तो कोई भी स्थूल जल नहीं हो सकता है भगवान का ज्ञान जल बताया गया है ठीक है ज्ञान जल ज्ञान को एक जल के माफिक कंपेयर किया गया है स्थूल जल की तो बात ही नहीं है ठीक है इसलिए हम जब जैसे जैसे स्टडी में हम जाएंगे ना, जो राजयोग अम्म के बारे में जब बताया गया था तो भगवान ने वही कहा था कि आ, फिजिकल आ, कुछ भी तप यज्ञ दान से भी ऊंचा राजयोगी है ठीक है और भगवान ने क्लियरली बताया था कि स्थूल आ, हम जो भी क्रियाकांड करते हैं उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है ठीक है भगवान भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं तो ये सब आप जोड़ोगे भावना से ऊपर आके ये सब फैक्ट्स को जोड़ोगे तो एक पूरा पिक्चर बनता है अभी तक हम जो समझते आए हैं उसमें उसको इजिली काटा जा सकता है जैसे यहाँ ज्ञान जल बोल रहे हो और फिर आप स्थूल जल से पवित्र की बात करें तो एक दूसरे से काटा आप आप ही काट रहे हो ठीक है तो मनुष्य की जो भी थिंकिंग होती है वो इजीली काटी जा सकती है भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काटी नहीं जा सकती है वो एक डिफरेंस है ठीक है तो सत्यता को पहचानने के लिए तो यहाँ आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लोक, वो सपोर्टिंग है वही बता रहे हैं कि आत्मा का है ठीक है और हर परिस्थिति में ये अः कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग होता है ऐसे नहीं हो कि okay, शरीर आ, हम लोग शरीर मर गया उसी समय हम बोलेंगे कि आत्मा आ, जो है अफेक्ट नहीं होती है पांच तत्वों से और जब भी हम गंगा स्नान करते हैं और जब भी हम कुछ क्रियाकांड करते हैं तभी तो आत्मा इफेक्ट होती है ऐसे तो नहीं होता है ना जब हम चाहे यूज करें हाँ इसमें लागू पड़ता है इसमें लागू नहीं पड़ता है वो तो सही नहीं है ना तो इसलिए वो अंध्रद्धा जैसे हो गया तो आत्मा अवैध है ना यहाँ भी आया है शब्द टू थर्टी में भी आया है ठीक है इनडिस्ट्रक्टेबल है और आत्मा का ओरिजिनल नेचर वाइसलेस है तो वो तो हमें पता अभी हम सब लोग चाहते हैं कि हम निरंतर शांति का अनुभव करें ना मतलब पीस आत्मा का नेचर है निर्विकारी रहना ना तो वो निर्विकारी होना नेचर है इसलिए हम अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं लेकिन अभी तक हमने जो भी तरीका अपनाए वो टेम्पररी ही शांति दे रहा है तो भगवान आके हमें एक सीक्रेट बता रहा है परमानेंट शांति का ठीक है Uh, तो उसके लिए आप स्टेप वाइज इंट्रोडक्टरी वीडियो सुनकर आप फाउंडेशन uh, कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है चलो तो यहाँ अभी हम रखेंगे ठीक है मेन प्रश्न है तो रीच आउट करिए इन